स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मदन संजना विलेज लाइफ में। हम आपको आज हमारा ये जो हमारा गांव का वीडियो है, वो गांव का वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे पास पहले का ही पड़ा हुआ था जो आज हम चढ़ा रहे हैं। और आज हम आपको हमारे गांव के बारे में कुछ बताएंगे। और हमारे गांव में बारिश के समय बहुत हरियाली हो जाती है। देखो चारों तरफ कितनी हरियाली हरियाली छा रखी है। और यहाँ पर कच्चा रास्ता है और यहाँ पक्की सड़कें भी है कई जगह पर, लेकिन ज़्यादातर कच्चा ही रास्ता है और हमें कच्चे रास्ते ज़्यादा चलना पड़ता है। और बारिश के समय यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। और हमें ऐसा मौसम हमें शहरों में देखने को नहीं मिलता है जैसा कि हमें ये गाँव में दिखाई दे रहा है। यहाँ चारों तरफ हरियाली है जो मन को आकर्षित करती है, मन मोह लेती है। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ आती है, सुबह उठे तो सुबह का दृश्य भी बहुत सुहावना लगता है। मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ सोच रहे हैं हमेशा गांव में रहेंगे। और ये मेरे दोनों बच्चे हैं जो देखो हमारे दादा दादर ससुर जी हैं, उनके चबूतरे पर फेरी लगा रहे हैं। और यहाँ पर दूसरे लोग भी आते हैं फेरी लगाने के लिए, उनके भी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा मानना है कि यहाँ फेरी लगाने से सबके कष्ट दूर होते हैं। और बहुत से लोग भी यहाँ फेरी लगाने आते हैं और उनके भी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये मेरे दादेर ससुर जी का चबूतरा है और मैं भी अभी यहाँ फेरी लगाऊंगी। पहले मेरे बच्चे लगा रहे हैं, ये देखो दोनों बदमाशी करते हुए चल रहे हैं। और देखो एक रुक गया, पता नहीं क्या करेगा। देखो कि रहे नहीं, नहीं यार अब चल फेरी लगाते हैं। दोनों फेरी लगा रहे हैं, यहाँ 5 फेरी तो लगानी होती है, 5 या फिर 7 फेरी लगा सकते हैं। और गाँव में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहीं सेटल होने का विचार है, अब शहरों से मन भर गया है, अब सिर्फ गाँव में रहेंगे और यहाँ के गाँव के बहुत आनंद लेंगे। जो आपको भी बताएंगे गाँव में हम कैसे रहते हैं, जो जो चीज़ें हम यहाँ जो काम करेंगे आपको बताएंगे। ये देखो मैं भी है ना परिक्रमा लगा रही हूँ, मेरे दादी और ससुर जी के चबूतरे के चारों ओर मैं परिक्रमा लगा रही हूँ। और ये छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा घर है, वहाँ पर अभी तो इतना ही बना हुआ है। और यहाँ देखो चारों तरफ कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। और जो यहाँ कुछ खेत के अंदर कुछ बह है वह भी है, यानी कोई फसल उगाई हुई है। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। और शहर का माहौल अच्छा ऐसा लगता नहीं है अच्छा, जबकि ये माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, और फिर जब मैं और ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी तो सारे चढ़ाऊँगी, तो आप देखना। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और कुछ गलती है तो आप कमेंट करके बताना इसमें। ये देखो बाय बाय कर रहा है कि मम्मी ठीक है अब लगा ली फेरी, चलो चलते हैं। लेकिन अभी मैं पूरी 5 फेरी पूरी लगाऊंगी। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है और यहाँ के जो भी पक्षी है वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, शाम के टाइम और सुबह के टाइम ज़्यादा दिखाई देते हैं। और देखो यहाँ पर देखो वो एक नीम का पेड़ है और वहाँ पर हमारे खेजड़ी भी है। देखो मैंने परिक्रमा लगा ली है, अब हाथ जोड़ रही हूँ, अब वापस जाऊँगी, काम वाम करूँगी घर में। और देखो मेरा घर दिखाई दे रहा है, देखो वो रहा हमारा घर। और यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं आसपास। और अब ये देखो ये क्या दिखा रही हूँ, ये देखो छोटा सा है ना, ये छोटा सा जीव है जो एकदम लाल रंग का होता है। हमारे यहाँ इसे सावन की डोकरियाँ बोलते हैं, ये अधिकतर बारिश के मौसम में ही होते हैं। और इन्हें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है इनको हाथ के ऊपर लेके देखें। और ये बहुत प्यारे, मेरे बच्चे तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं और देखते रहते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, कमेंट करना और आगे शेयर करना। तो जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तब मिलते हैं आपसे, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। ओके राम राम। और हाँ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे हमारा वीडियो आपके पहुँच पहुँच जाए।